भागे तो वो लोग को भी मार जाता हो। अच्छा, बोलते लोग थोड़ा घर में भागे किसी के तो वो लोग बे उठे। अच्छा, वो लोग को भी भगा लगे। हमारा नाम राकेश यादव है, रोड के निवासी है और हमारी मम्मी प्रतिदिन यहाँ और आए थाने के सामने प्रतिदिन टहलने आते हैं। दो ढाई मेरे को बम्बू मिल जाता तो शायद मेरा 90% में बचा सकता था, लेकिन मेरे हाथ में कुछ था नहीं। मैं अपर पुलिस अधीक्षक जगपत भदौरी हूँ। आज थाना क्षेत्र औराई में एक महिला की हत्या होने की सूचना। हमारा नाम राकेश यादव है, रोड के निवासी है और हमारी मम्मी प्रतिदिन यहाँ और आए थाने के सामने प्रतिदिन टहलने आती है, जो कि दो ढाई किलो में ही लिया हो अज्ञात व्यक्ति को ऐसे छोड़ दिया। हमारी मम्मी पे इतने हमारे देहांत हो गया है, मारने के बाद 20-25 मिनट मार के बैठा रहे और 2 साल से टहल ही रहे, मतलब 2-3 साल से रोज आते हैं। यहाँ थाने में अज्ञात व्यक्ति आया, इन लोग यहाँ से भगा दिए, फिर मंदिर के सामने बैठा था तो मम्मी हमारे यहाँ से जा रहे थे तो अटैक कर दिया। यहाँ से मारते हुए शिव मंदिर तक लेके गया, जो कि मंदिर हमारे पुलिस चौकी के सामने ही है। उन लोग कुछ ने एक्शन नहीं, मतलब वहाँ गिरने के बाद लगा चोट, उन लोग के चोट लगने के बाद ये लोग वहाँ पे पहुँचे हैं घटना स्थल पे। प्रशासन ने इसमें क्या कार्रवाई? प्रशासन नहीं थे उस समय वहाँ पे पब्लिक, 2-3 पब्लिक थे, औरतें थे सब लोग, बस जो साथ में औरत आए थे हमारे घर के औरतें लोग थे वहाँ। नाम क्या था उन लोगों का? नाम तो हमको इतना, एक रेणु यादव थे उनका करके भाई, दुल्हन ने हम लोग को, हम लोग कलावती है, श्याम कुमार, ऐसा मतलब औरतें लोग साथ में थे घर के ही है सब। ऐसा सब वो लोग 4 बजे आते थे जॉकिंग के लिए यहाँ पे, जॉकिंग के लोग जा रहे थे कि मंदिर के पास से हमला करा और वहाँ जाते जाते अच्छा वो औरतें लोग भी नहीं भागे तो वो लोग को भी मार जाता हो। अच्छा, औरतें लोग थोड़ा घर में भागे किसी के तो वो लोग बे उठे। अच्छा, वो लोग को भी भगा लगे, बम्बू 6-7 फीट का बम्बू लिया था। अच्छा, बम्बू से मारना चालू कर दिया उसने। अच्छा, ये बताइए कि इन्हीं को मारा है? नहीं नहीं, खाली मारा इन्हीं को, और औरतें जो साथ में थे ना वो लोग इधर उधर भाग गए। जब भागे है ना, एक आदमी को मारा है, वो बचाने गया बेचारे, उसको भी एक फटका लगा है। लगभग इसमें सुनने मारा दो तीन लोगों को भी, 2-3 जन को हमला किया है। तो पुलिस प्रशासन ने इसमें, पुलिस प्रशासन यहाँ से वहाँ बाद में गई ना, भले वहाँ तो उसकी मृत होने के बाद गई ना पुलिस प्रशासन, मृत होने के बाद प्रशासन गई वहाँ, समझे? हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तब उसके बाद प्रशासन वाले आए। अच्छा, सबसे पहले आप लोग गांव से पहुंचे हैं, वहां से लोग आ गए, प्रशासन के बाजू थे ना सब लोग, सब लोग आ गए, हम लोग वहां पे सब आ गए थे, 100 मीटर से नहीं पहुंचे, क्या करेंगे। मैं अपर पुलिस अधीक्षक जगपत भदौरी हूँ। आज थाना क्षेत्र औराई में एक महिला की हत्या होने की सूचना थी, इसमें मौके से जांच की गई तो महिला, 3-4 महिलाएं थी जो प्रातः 4 बजे निकली थी टहलने के लिए। उस दौरान एक व्यक्ति जो प्रथम दृष्टया मानसिक रूप से बीमार लग रहा, विचित्र लग रहा, वो इधर उधर ईंट पत्थर चला के मार रहा था और उसी दौरान इसने उस महिला के ऊपर हमला कर दिया और ईंट और बांस से उसके सिर में वार कर दिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई है और वो अन्य लोगों को भी दौड़ा रहा था। उस व्यक्ति को पकड़ा गया है और पकड़ने के उपरांत उसकी तलाशी ली गई। उसका व्यक्ति जो नाम पता उसका ज्ञात हुआ, वो व्यक्ति राजा कुमार नाम का व्यक्ति है जो सीतामढ़ी बिहार के रहने वाला है, और उसको हिरासत में लेकर के अभी उसको हॉस्पिटल भेजा गया है और मृतका के पुत्र के तहरीर पर आवश्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है।